गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं देवेश और आप देख रहे हैं देवेश ऑटो व्लॉग। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ये है मारुति की ग्रैंड विटारा जो कि अभी थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुई है। अब अगर इसकी वेरिएंट की बात करें तो ये जेटा प्लस वेरिएंट है, सेकंड टॉप वेरिएंट है, स्मार्ट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन वाला। जैसा कि आपने ई सी वी टी सुना था, जो ई वी प्लस दोनों की टेक्नोलॉजी का, पेट्रोल वगैरह ई वी दोनों में, जो कि 27-28 के समथिंग माइलेज क्लेम कर रही है कंपनी मारुति, वो वाला वेरिएंट ये है जो कि सेकंड टॉप वेरिएंट है जेटा प्लस। अब इस जेटा प्लस वेरिएंट में आपको क्या कुछ मिल जाता है, सबसे पहले अगर इसकी एक्सशोरूम प्राइस की बात करें तो 17,99,000, मोटे मोटे तौर पर 18 लाख ही मान लीजिए, 18 लाख इसकी एक्सशोरूम प्राइस है। अब इसमें आपको क्या कुछ मिल जाता है वो आज आप इस वीडियो में एंड तक देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है जो कि 92 bhp पावर निकालता है और 122 nm का इसके अंदर टॉर्क मिल जाता है। और अगर इसकी की बात करें तो सेम वही मारुति की स्टाइलिंग में की मिल जाती है, यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग लॉक अनलॉक मिल जाता है आपको। इसके अंदर जो ये की है वो इसके सभी वेरियंट में ही की यही मिल जाएगी। अब मैं इसका आपको इंजन भी दिखाता हूँ किस तरीके से आपको इसका स्ट्रॉन्ग स्मार्ट हाइब्रिड इंजन जो मारुति क्लेम कर रही है वो किस तरीके का मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका इंजन मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसका पूरा इस तरीके इस साइड आप देख सकते हैं, ये जो ईवी वाली टेक्नोलॉजी है वो इस साइड दी गई है और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट किया गया है इसके इंजन का, क्योंकि अच्छा लगता है, ठीक लगता है, ऐसी बात नहीं है। और जो आपको माइलेज का जो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पर पेट्रोल की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस कारण आपको माइलेज वगैरह भी अच्छा निकाल के देगी। अब इसके फ्रंट से बात करें तो यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिश में सुजुकी के लोगो मिल जाता है, डार्क क्रोम की फिनिश में इसकी ग्रिल मिलती है। ये वाली ग्रिल आपको अल्फा प्लस और जेटा प्लस इन दो वेरिएंट में मिलेगी, जो इसके जो नॉर्मल वेरिएंट है सिग्मा डेल्टा अल्फा वगैरह जो नॉन स्ट्रॉन्ग स्मार्ट हाइब्रिड ओनली स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है उनमें आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पियानो फ्लैग की फिनिश में ग्रिल दी गई है। नीचे की साइड आपको इसकी प्लेट मिल जाती है जो कि आपको ग्रे की फिनिश में मिलती है, जो कि पियानो ब्लैक की फिनिश में, पियानो ग्रे की फिनिश में दी गई है जो कि ग्लोसी में मिल जाती है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको कंप्रेसर के लिए पूरी ग्रिल मिल जाती है, पूरा आगे की साइड इसका कंप्रेसर लगा हुआ है। अब इसके हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी डी आर एल मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर इंटीग्रेटेड आपको इंडिकेटर मिलता है और ये आपकी डी आर एल रहती है जो कि अच्छी लगती है, प्रीमियम लगती है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है क्योंकि हेलोजन एल ई डी लाइट निकालता है और वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, कोई भी फॉग लैम्प वगैरह नहीं दी, क्योंकि इस ही हेडलैम्प का सेटअप इस तरीके से बताया, फॉग लैम्प में भी यही काम करता है और नॉर्मल भी यही काम करता है, ताकि कॉस्ट कटिंग वगैरह कर सके और फीचर्स वगैरह ज़्यादा दे सके ताकि मार्केट में अपना नाम बना सके कंपनी, इसलिए इन्होंने इस तरीके से ये किया है। अब इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल से भी नॉर्मल ऐसी लगती है, जैसा आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अच्छी खासी लंबी साइज है इसके कमरे। अभी हाई राइडर भी सेम यही है, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग है अंदर वगैरह से, सब कुछ सेम ही मिलती है हाई राइडर पर। और ये ग्रैंड विटारा वो टोयोटा का ब्रांड है, बाकी बन रही मारुति के प्लेटफॉर्म पर है और ये भी दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बन रही है। अब इसके अगर एलॉय व्हील्स की बात करें तो इसके अंदर एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो भी एलॉय व्हील्स यूज किए हैं, जेटा अल्फा, जेटा से स्टार्ट हो जाते हैं, नॉर्मल जो जेटा वेरिएंट है उससे स्टार्ट हो जाते हैं, सब में सेम ही तरीके के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, 215/60 R17 17 इंची के इसके अंदर एलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर आप देखते हैं मिल जाते हैं। और फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में भी इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं जेटा वेरिएंट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लैडिंग है वो पियानो ब्लैक के फिनिश में मिलती है, मैट के फिनिश में मिलती है, जिससे और भी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और ये ब्लैक पर, ब्लैक कलर की पियानो ब्लैक की क्लैडिंग वाइट कलर पर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता फेंडर पर, जिसको ORVM में वो ऑटो एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्डेबल दोनों मिलता है, बॉडी कलर में दिया गया LED इंडिकेटर साथ में मिलता है, एक पिलर आपको बॉडी कलर में मिल जाता है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं पूरी क्रोम की फिनिश मिल जाती है क्योंकि अच्छी लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कीलेस एंट्री वगैरह का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है। और एक बात और कि आप यहाँ से इसको आसानी से मिल जाता है, और ये वाला आप डोर भी, आप रियर वाला डोर भी आपको बॉडी कलर मिलता है, कोई भी आपको क्रोम वगैरह की फिनिश मिलती है। अल्फा प्लस वेरियंट में भी आपको क्रोम की फिनिश नहीं मिलती और जेटा में भी आपको क्रोम की फिनिश नहीं मिलती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये भी पियानो डार्क सिल्वर की फिनिश मिलता है जो कि अच्छा लगता है। ऊपर से आपको रूफ रेल मिल जाती है सिल्वर कलर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं शार्क फिन एंटीना दिया गया है। पीछे की साइड आते हैं, पीछे से जो इसका लुक है ना, वो तो इसके लुक की बात ही कुछ और है। इसका लुक आप देख सकते हैं, जो इसका रियर का लुक है वो
इस सेगमेंट में तो किसी भी कार का इतना प्यारा लुक, जो क्रेटा का लुक आया था स्टार्टिंग में वो भी बहुत लोगों को पसंद आया था, पर जो इसका लुक है वो क्रेटा वगैरह किया सेल्टोस इन सबसे ही ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि इसका लुक बहुत है, क्योंकि अभी मारुति ने जो ब्रीजा लॉन्च की थी उसका भी लुक बहुत प्यारा लॉन्च किया था, और ग्रैंड विटारा का भी मारुति ने शानदार लुक लॉन्च किया है। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, ग्रैंड विटारा की बैजिंग, और जो ये टेल लैम्प का सेटअप पूरा एलईडी का टेल लैम्प का सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको ये ऑलवेज ऑन मोड पर रहती है, ये पूरी इस साइड तक रहती है, और यहाँ पर आप ब्रेक वगैरह प्रेस करते हैं तो ऑन ऑफ रहती है। ये हाइब्रिड की बैजिंग है, इस साइड आपको हेलोजन बल्ब में इंडिकेटर मिल जाता है, रिवर्स लैम्प भी आपको हेलोजन बल्ब में दिया गया, और रिफ्लेक्टर मिल जाता है, टोटल 4 पार्किंग सेंसर, और रियर में आपको पार्किंग कैमरा मिल जाता है, जेटा वेरिएंट में आपको कोई भी 360 कैमरा नहीं मिलता। यहाँ पर आपको रियर में वाइपर प्लस डिफोगर मिल जाता है, और शार्क फिन एंटीना दिया गया। यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, और इस साइड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको स्पॉइलर वगैरह दिया गया। अब आपको मैं इस साइड से भी इसका प्रोफाइल चेक करा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं इस साइड से भी ये ऐसी लगती है, क्योंकि अच्छी लगती है। इधर की साइड आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। अब चलते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर की तरफ, उससे पहले मैं आपको इसका बूट भी ओपन करके बता देता हूँ। अभी इसका बूट ये कर दिया मैंने इसका बूट ओपन। बूट में आपको इसकी पार्सल ट्रे मिल जाती है, 275 लीटर का इसका बूट स्पेस मिल जाता है, जो नॉर्मल आती है उनका 350 लीटर के समथिंग 373 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, पर इसका 280 अराउंड 300 इसके समथिंग ही मिलता है, क्योंकि इसके अंदर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी लगी हुई है जो चार्ज मोड पर रहती है। यहाँ पर से भी आपको भी शो नहीं होगी इसकी जो बैटरी वगैरह है, एडजस्ट पाइप है वो बैटरी लगी हुई है, थोड़ा इसका स्पेस कम हो गया, बाकी माइलेज तो मिल ही रहा है, सीएनजी किट लगता है उसके बाद में माइलेज मिलता है, तो स्पेस कहाँ रहता है बूट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये लैम्प दिया गया जो कि येलो लाइट निकालता है, और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, ये आपको डेल्टा वेरिएंट में भी मिलता है। 60-40 सीट्स आप स्प्लिट कर सकते हैं इसकी। बस ये था इसके, अब चलते हैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ। ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, जो ड्राइवर विंडो है वो ऑटो अप एंड डाउन मिल जाती है, यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और एम को लाइट राइट लेफ्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिश मिल जाती है, यहाँ पर ये आपको थोड़ी सी ग्लोसी फिनिश मिल जाती है जो कि प्रीमियम लगती है, थोड़ी ग्रे टाइप का दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लेदर में आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, यहाँ पर आपको व्हाइट कलर की स्ट्रेचिंग मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको पूरा लेदर में सॉफ्ट टच मिलता है जो कि ब्लैक कलर मिलता है, जो इसका जेटा और अल्फा वेरिएंट है, जो नॉर्मल हाइब्रिड हैं मिलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं मिलते हैं उनमें आपको यहाँ पर दूसरा कलर मिलता है जो कि वाइन कलर टाइप में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोतल होल्डर, स्टोरेज एरिया और स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, यहाँ पर आपको ट्विटर की प्लेसमेंट दी गई है। सीट्स की बात करें तो सीट्स आपको हाइट एडजस्टेबल इसके सभी वेरिएंट में वैसे भी मिलने वाली है ही, यहाँ पर आपको फुल टैंक का लीवर मिल जाता है और बोनट का लीवर दिया गया, 2 पेडल्स मिल जाता है, डेडिकेटेड डेड पेडल दिया गया। इधर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कंट्रोल दिया गया, हुब वगैरह, यहाँ पर आप हेडलैम्प की लेवलिंग वगैरह सेट कर सकते हैं, ये भी आपको सॉफ्ट टच में ही दिया गया। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक की फिनिश दिख जाती है। मैं बैठता हूँ उसके अंदर, अंदर से अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले इसका मैं आपको स्टेयरिंग चेक कराता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका स्टेयरिंग मिल जाता है जो कि ठीक दिखता है, राउंड शेप में मिलता है, बस इसके अंदर आपको लेदर रैप नहीं मिलता, वो आपको लेदर रैप ओनली आपको अल्फा प्लस वेरिएंट में मिलेगा, जेटा प्लस वेरिएंट में आपको लेदर रैप नहीं मिलता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से म्यूजिक का कंट्रोल मिल जाता है, इधर आप कॉल पिक कट कर सकते हैं, इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, और ये मोड वगैरह आप चेंज आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़े फीचर्स ऐड कर दिए, जो इसका स्टीयरिंग है वो टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक इसका स्टीयरिंग आपको नहीं दिया गया। अब मैं करता हूँ इसका इग्निशन ऑन, कुछ इस तरीके से लगता है इसका इग्निशन ऑन होने के बाद में, जो कि अच्छा खासा लगता है, बहुत प्रीमियम लगता है। इधर की साइड आपको पावर मिल जाता है, जैसे कि ये मैं मोड चेंज करूंगा तो ये आप आसानी से मोड वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। ये पावर मोड लग गया, और ये ईवी मोड आप आसानी से लगा सकते हैं, और जो इसका जो चेंजिंग है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से मिल जाता है इसका। ये आपको ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको मोड दिया गया है,
ये देख सकते हैं किस तरीके से इसकी जो टेक्नोलॉजी दी गई है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप इंफोटेनमेंट सिस्टम, लो फ्यूल सेटिंग्स मिल जाती है, ब्राइटनेस, फ्यूल इकोनॉमी, ये ट्रिप ए ट्रिप ए ऑडियो, फ्यूल इकोनॉमी, किलोमीटर माइनस फाइव, ईवी मोड, और ये कुछ इस तरीके से मिल जाता है। बस ये था इसके क्लस्टर में। तो अब इसके डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपको जो कि फिनिश मिल रही है, जो कि ग्लोसी फिनिश मिल रहा है, सिल्वर की फिनिश, वो भी अच्छी लगती है। यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच मिलता था, ये देख सकते हैं सॉफ्ट टच अच्छा खासा प्रीमियम लगता है। यहाँ पर आपको वाइट की स्ट्रेचिंग मिल जाती है और ग्लव बॉक्स भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। IRVM आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है आपको, जो कि अच्छा खासा फीचर लगता है। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, इस साइड आपको लैम्प मिल जाते हैं, और ये आप दोनों एक सौ। यहाँ पर आपको वॉइस कमांड का फीचर मिल जाता है, और जिसका सनरूफ है वो ये देख सकते हैं आप, पैनारोमिक सनरूफ मिलता है। मारुति ने सनरूफ तो डाल दिया, पर जिसकी क्वालिटी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बहुत ही लो क्वालिटी मिलता है। बाकी इसका सनरूफ देखा जाए तो क्रेटा से ज़्यादा खुलता है, इसका सनरूफ क्रेटा ज़्यादा खुलता है। अब जो इसकी स्क्रीन है वो 9 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, जो कि एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती है। टोटल 4 स्पीकर, 2 ट्विटर मिल जाते हैं इसके अंदर, और जिसका ये आप रिवर्स कैमरा देख सकते हैं। ये वाला वेरिएंट आपको ऑटोमेटिक में मिलता है, CVT में, ड्राइव मोड में ज़्यादा, न्यूट्रल ड्राइव बी, या आपको कुछ इस तरीके से मोड मिल जाते हैं, और इस साइड आपको EV मोड मिल जाता है, ड्राइव मोड। जो जेटा प्लस और अल्फा प्लस है उसमें एक यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक की फिनिश मिल जाती है, जिसका हैंड ब्रेक है वो क्रोम की फिनिश में, 2 कप होल्डर। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है लेदर में, जो कि अच्छी खासी क्वालिटी लगती है। सनवाइजर की बात करें तो ड्राइवर साइड आपको मिरर मिल जाता है और लैम्प भी दिया गया है। पैसेंजर साइड से बात करें तो इस साइड भी आपको लैम्प मिल जाता है, और ये कुछ इस तरीके से ग्रैब हैंडल फ्रंट में, और फ्रंट में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और अब चलते हैं रियर की तरफ, रियर में क्या कुछ मिल जाता है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। रियर डोर की बात करते, जैसा कि आपने फ्रंट में देखा होगा सेम उसी तरीके का मिलता है। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक की फिनिश, पूरा सॉफ्ट टच मिल जाता है लेदर में, व्हाइट कलर की स्ट्रेचिंग, ब्लैक कलर की यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, व्हाइट कलर की स्ट्रेचिंग दी गई है। यहाँ पर वही आपको ग्लोसी ग्रे की फिनिश, क्रोम हैंडल, और अब मैं बैठता हूँ अंदर। बोतल होल्डर भी मिल जाता है, और स्पीकर की प्लेसमेंट, स्टोरेज एरिया सब को मिल जाता है। लेग रूम की बात करें तो सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, 5'11", और अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक मिल रहा है, और लेग रूम भी ठीक ठाक मिल रहा है मेरे को। बाकी रियर में आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट विद आर्मरेस्ट एंड कप होल्डर 2 आपको इसमें आसानी से मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सीट बेल्ट कुछ इस तरीके से दिया गया, जो कि ठीक है कि अभी कंपलसरी थोड़ा बहुत हो गया सीट बेल्ट वगैरह। यहाँ पर आपको रियर में AC वेंट्स मिल जाते हैं, Type A to Type C पोर्ट्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। रियर में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको येलो लाइट मिल जाती है, और ये ग्रैप हैंडल फोल्डेबल, इस साइड भी आपको येलो लाइट, ग्रैप हैंडल फोल्डेबल, और कोट होल्डर मिल जाता है। रियर से कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड लगता है, क्योंकि ठीक लगता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सनरूफ मिलता है और इसके सन विजिबल होता है। बाकी गर्मी के हिसाब से जो ग्रैंड विटारा का जो सनरूफ है, इसमें थोड़ी ज़्यादा AC भी फेल रहेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। बस ये था वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।